वेलकम बैक टू स्टॉक्स पर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से गिरावट देखने को मिले, 1.20% की गिरावट देखने को मिले सुजलॉन एनर्जी स्टॉक में। पिछले एक दो दिनों से देखा जाए तो बहुत से वॉलेटिलिटी भी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। आज गैप डाउन से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गिरावट भी देखने को मिली थी, पर 8 लेवल जो यहाँ पे आप देखोगे तो 8 लेवल ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, वही से फिर से बाउंस बैक हो चुका है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 8.25, उसके पहले ही रिसेंटली रजिस्ट्रेशन ले रहा है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। मार्केट कैप पे आती है तो यहाँ पे 8000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप स्टेबल है अभी भी गिरावट के बावजूद। पी रेशियो 3.64 का है, जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पिछले 5 दिनों के ऊपर आ जाते हैं तो पिछले 5 दिनों में 6% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। स्टॉक में एक अच्छी तेजी पकड़ी थी पर 10 लेवल पे ऊपर रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली थी, तो उसी गिरावट में अभी भी गिरावट है, कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिले सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक का यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे आज के दिन के, तो 7 करोड़ 73 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है सुजलॉन एनर्जी में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 6,270 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है, मीन्स टोटल यहाँ पे देखा जाए बाइंग के लिए 2 करोड़ 78 लाख क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है। टोटल जो वॉल्यूम आज का है 7 करोड़ 73 लाख का है और सेलिंग के लिए देखोगे तो 2 करोड़ 27 लाख यहाँ पे क्वांटिटी पेंडिंग है, मीन्स सेलिंग के लिए कम क्वांटिटी है बाइंग से भी। तो सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए 6 करोड़ 92 लाख में से तकरीबन 2 करोड़ 86 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, मीन्स नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए टोटल 41% क्वांटिटीज। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे सुजलॉन एनर्जी के तो देख सकते कि चार्ट यहाँ पे पिछले एक दो महीने में एक अच्छी रिकवरी की थी सुजलॉन स्टॉक ने अंदर, पर ऊपर देख सकते कि फिर से रेजिस्टेंस लग के ही गिरावट देखने को मिली है। तो रिसेंटली देखा जाए तो 8 लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल है, जहाँ पिछली बार भी सपोर्ट लिया गया था, तो इस बार भी सपोर्ट लेता है तो फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सुजलॉन स्टॉक के लिए।